ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत इंदौर पुलिस लगातार ड्रग्स पेडलरों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बीते दिनों 19 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गुरुवार रात जोन एक में ड्रग पेडलरों पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन दिनों इंदौर शहर में ड्रग कारोबार दिन पर दिन फल फूल रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने नशे के कारोबार और नशा करने वालों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट किल चलाया है। इसी कड़ी में बुधवार को जोन दो में 19 ड्रग पेडलरों को पकड़ा गया था, तो वहीं गुरुवार रात एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक ड्रग पेडलरों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में अब क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है और यह कार्रवाई जोन एक और जोन दो के बाद जोन तीन और जोन चार में भी जल्द की जाएगी। जोन वन से पहले जोन टू में भी कार्रवाई हुई थी, अब जोन थ्री और जोन फोर में भी होगी। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस जो ड्रग्स के स्मगलर हैं उनके विरुद्ध पुलिस अपनाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्रवाई हो रही है। उसे हम और यूनिफाइड करेंगे क्योंकि हमारी क्राइम की टीम भी नारकोटिक्स पे काम कर रही है। हमारी हेल्पलाइन जो है वो यूनिफाइड हो, यूनिफाइड तरीके से हम लड़े ड्रग्स पैडलर से, ड्रग्स स्मगलर से, तभी ये जो एक संकट उभर रहा है इंदौर के सामने उसको हम दूर कर सकते हैं। कितने पकड़े पेडलर का? 50 से ज्यादा पेडलर्स पकड़े गए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि मेन आदमी कौन है, किन पिन कौन है, कौन जो इंदौर को मंडी बना रहा है ड्रग्स की, वो हमारा टारगेट है और हम निश्चित तौर पर उन्हें पकड़ेंगे। एक कोई मामला सामने आया निगम घोटाले लेते हैं। बहरहाल पुलिस इंदौर में फैल रहे ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगी हुई है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।